अब हम ईसोफेजाइटिस का कुछ टॉपिक बचा है वो देखेंगे। तो सबसे पहला है ईसिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस। तो जैसे कि हमने देखा, आइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन, ईसोफेजिया यानी कि ईसोफेगस में इन्फ्लामेशन होना, डैमेज की वजह से इन्फ्लामेशन होना, उसे हम कहेंगे ईसोफेजाइटिस। ईसिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस का मतलब है कि जहां पे भी ईसोफेजाइटिस हुआ है, डैमेज और इन्फ्लामेशन हुआ है ईसोफेगस में, वहां पे ईसिनोफिल्स, जो ईसिनोफिल्स एक टाइप का व्हाइट ब्लड सेल्स है, जिसका एक्यूमुलेशन अगर वहां पे हो जाता है काफी ज्यादा अमाउंट में, तो हम उसे कहेंगे ईसिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस। ये काफी रेयर कंडीशन होता है, जल्दी हमें देखने को नहीं मिलता। नॉर्मली अगर ऐसा कुछ इन्फ्लामेशन की बात आती है तो वहां पे न्यूट्रोफिल्स हमें ज्यादातर देखने को मिलते हैं, लेकिन कोई कोई कंडीशन में अगर वहां पे ईसिनोफिल्स ज्यादा देखने को मिल रहा है और वहां पे इन्फ्लामेशन और डैमेज हुआ है, तो हम उसे कहेंगे ईसिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस। तो इसका शॉर्ट में डेफिनेशन क्या है, तो क्रॉनिक इम्यून सिस्टम डिजीज इन विच ईसिनोफिल्स बिल्ट अप इन द लाइनिंग ऑफ द ईसोफेगस। किसी भी इंजरी की वजह से, इम्यून सिस्टम की कमी होने की वजह से डैमेज होता है, तो वहां पे ईसिनोफिल्स का अगर प्रपोर्शन ज्यादा हो जाता है, ग्रेटर देन 15 अगर परसेंट हो जाता है, तो हम उसे कहेंगे ईसिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस। दूसरा चीज है बैरेट ईसोफेगस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान में होना चाहिए। तो बैरेट ईसोफेगस सबसे पहले की देखते हम लोग, ये ईसोफेगस हुआ और ये स्टमक हुआ। तो ईसोफेगस में जो म्यूकोजा है वो लाइन हुआ होता है स्क्वामस एपिथिलियम से, और गैस्ट्रिक या फिर स्टमक में जो म्यूकोजा होता है, या फिर हम जो म्यूकोजा होता है वो लाइन किया जाता है कॉलमनार एपिथीलियम से, और उसमें होते हैं गॉबलेट सेल्स। तो जैसे कि हमें पता है कि स्टमक में एसिड कंटेंट ज्यादा होता है, तो इसके लिए इसका जो लाइनिंग होता है स्टमक का वो होता है कॉलमनार एपिथीलियम से, और उसमें गॉबलेट सेल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो ये पार्ट होता है स्टमक का, इनर पार्ट होता है, वो डैमेज ना हो इसके लिए। लेकिन ईसोफेगस में कोई भी तरह का एसिड रिलीज नहीं होता या फिर वहां पे स्टोर नहीं होता, तो यहाँ पे सिर्फ काम क्या होता है कि फूड जो हमने स्वॉलो किया है वो इजीली नीचे की तरफ जाए, तो वो क्या करता है, स्क्वामस एपिथीलियम जो होता है वो अच्छे से वो काम कर देता है। लेकिन स्क्वामस एपिथीलियम क्या है, एसिड लगने की वजह से जल सकता है या डैमेज हो सकता है, तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है। बैरेट ईसोफेगस क्या होता है, तो GERD के कॉम्प्लिकेशन से, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, यानी कि गैस्ट्रिक कंटेंट अगर ऊपर की तरफ आ रहा है, कहां पे आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, स्क्वामस एपिथीलियम डैमेज होने लगेगा, और ये डैमेज ना हो तो बॉडी कुछ एडेप्टेशन लेते हैं। तो बॉडी क्या करता है कि जैसे कि अगर नॉर्मली यहाँ पे गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन है, इसके नीचे सब कॉलमनार एपिथीलियम है, ऊपर सब स्क्वामस एपिथीलियम है, लेकिन एसिड का रिफ्लक्स यहाँ पे ज्यादा होने की वजह से, यहाँ पे वॉल्स डैमेज होने की वजह से, बॉडी क्या करता है, तो ये जो गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन है इसको थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देता है, और इस लाइनिंग में भी क्या करता है, कॉलमनार एपिथीलियम डेवलप होने लगता है। क्या होता है, कॉलमनार एपिथीलियम डेवलप होने लगता है। क्यों डेवलप होने लगता है, क्योंकि उसको अपने वॉल्स को गैस्ट्रिक सिक्रीशन से या फिर एसिड सिक्रीशन से बचाना होता है, तो वो अपने आप को चेंज कर देता है, एडेप्ट करता है कॉलमनार एपिथीलियम में, तो इसे हम कहते हैं मेटाप्लेसिस। क्या कहते हैं, मेटाप्लेसिस। तो जो टिश्यू है वो अपना पूरा स्ट्रक्चर ही बदल देता है, स्क्वामस एपिथीलियम से कॉलमनार एपिथीलियम में चले जाता है, या कॉलमनार एपिथीलियम को अडेप्ट करता है। क्यों, क्योंकि वहां वहां पे उसे अपने वॉल्स को एसिड से बचाना होता है। तो ये इसोफेजियल मेटाप्लेजिया जो होता है इसे हम कहते हैं बैरेट इसोफेगस। तो GERD के वजह से, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स होने के वजह से, जो अपर इसोफेजियल स्पिंटर्स के आगे पार्ट होते हैं, जो स्क्वामस एपिथीलियम वहां पे होता है, वो धीरे धीरे अपने आप को कन्वर्ट कर देता है कॉलमनार एपिथीलियम में, और उस कंडीशन को हम कहते हैं बैरेट इसोफेगस।
और उसमें हमें ईसोफेजियल मेटाप्लेसिस देखने को मिलता है। ये नॉर्मली 10% इंडिविजुअल में देखने मिलता है जो कि GERD डिजीज से इफेक्टेड होते हैं। इसमें एडिनोकार्सिनोमा होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो बैरेट ईसोफेगस अगर हुआ है तो आगे जाके एडिनोकार्सिनोमा होने के भी चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। इसमें एंडोस्कोपिक, अगर एंडोस्कोपिकली हम देखेंगे तो हमें क्या देखने मिलेगा, तो हमें कॉलमनार एपिथीलियम देखने मिलेंगे, यानी कि जहां पे स्क्वामस एपिथीलियम है वो चेंज होके वहां पे कॉलमनार एपिथीलियम देखने मिलेंगे और वहां पे गॉबलेट सेल्स देखने मिलेगा। तो इसके वजह से क्या होगा, जो एसिड सिक्रीशन जो होता है वो ईसोफेगस के वॉल को अफेक्ट नहीं करेगा अगर वहां पे कॉलमनार एपिथीलियम या गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन ये काफी ज्यादा हार्मफुल होता है क्योंकि ये एडिनोकार्सिनोमा को डेवलप करता है। डायग्नोसिस कैसे किया जाता है इसका, तो डायग्नोसिस हमें मिलता है लॉन्ग टर्म GERD के हिस्ट्री से, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है काफी टाइम तक, या फिर अनकॉम्प्लिकेट, या फिर हम कह सकते हैं कि अनट्रीटेड है या फिर ट्रीट ठीक से नहीं कर पा रहे, तो ऐसे कंडीशन में हमें बैरेट ईसोफेगस देखने मिलेगा। दूसरा एंडोस्कोपी या बायोप्सी करने से भी पता चलेगा। तो एंडोस्कोपी क्या होता है, तो एंडोस्कोपी यानी कि माउथ से एक ट्यूब डालते हैं, कैमरा डाला जाता है जो ईसोफेगस में जाता है और ईसोफेगस का जो मसल्स होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, उसके फोटोज लिए जाते हैं, उसको स्टडी किया जाता है। तो उसके स्ट्रक्चर से हमें पता चलता है कि पेशेंट को बैरेट ईसोफेगस है कि नहीं। अगर कोई डाउट होता है तो वहां का स्किन जो होता है वो, या फिर हम कह सकते हैं वहां का जो थोड़ा सा मसल्स होते हैं उसको कट किया जाता है, उसको निकाला जाता है और फिर माइक्रोस्कोपिकली हम देख के कंफर्म कर सकते हैं कि बैरेट ईसोफेगस है कि नहीं, या एडिनोकार्सिनोमा डेवलप हुआ है कि नहीं। तो इसका डायग्नोसिस दो चीज से कर सकते हैं, एक तो लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ GERD जो कि ट्रीट नहीं किया है ठीक से, और दूसरा एंडोस्कोपी और बायोप्सी के मदद से हम बैरेट ईसोफेगस के बारे में पता लगा सकते हैं। तो जैसे बाकी ईसोफेजाइटिस में जैसे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, वैसा इसमें भी क्लिनिकल फीचर्स होते हैं जिसमें हमें देखने मिलता है हार्ट बर्न, छाती में जलन देखने मिलता है, उसके साथ साथ एसिड रिगर्जिटेशन और पेनफुल स्वॉलोइंग हमें देखने को मिलता है। तो हार्ट बर्न, एसिड रिगर्जिटेशन, ऊपर की तरफ ढकार आना और पेनफुल या फिर डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, स्वॉलो करते वक्त, फूड को स्वॉलो करते वक्त पेन होना या फिर जलन होना, तो ये चीज हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ तक हमने ईसोफेजाइटिस के बारे में पढ़ा है। अभी दूसरा पैथोलॉजी जो हम पढ़ेंगे वो है गैस्ट्राइटिस रिलेटेड टू स्टमक। तो गैस्ट्राइटिस के बारे में हम देखेंगे, उससे पहले स्टमक के बारे में कुछ बेसिक चीजें ध्यान में होना काफी ज्यादा जरूरी है। तो स्टमक के बारे में हमें क्या क्या ध्यान में रखना है, तो सबसे पहले स्टमक जो है वो एक मस्क्यूलर ऑर्गन है जो कि प्रेजेंट होता है अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, अपर पार्ट जो होता है एब्डोमेन का वहां पे प्रेजेंट होता है। तो जैसे कि ये है, तो ये जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं ईसोफेगस। यहाँ पे एक लाइन होता है जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल जंक्शन। ये जो पार्ट होता है पूरा इसे हम कहते हैं स्टमक, और इसके बाद ये जाता है डियोडिनम में, डियोडिनम में। तो ये क्या है, स्टमक डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है जो कि मस्क्यूलर है, जे शेप ऑर्गन है, वो कुछ जे शेप जैसा दिखता है, जो कि सिचुएटेड है अपर पार्ट एब्डोमेन में, एब्डोमेन के अपर पार्ट में प्रेजेंट होता है। तो इसमें क्या है, इट इज ए मस्कुलर ऑर्गन, जे शेप्ड ऑर्गन, और प्रेजेंट होता है अपर पार्ट में, और इट इज ए पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, इतना चीज ध्यान में रखना है। फिर बेसिक चीज देखेंगे कि इसमें कितने रीजन प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें टोटल 5 रीजन प्रेजेंट होते हैं, एक तो कार्डिया, दूसरा फंडस, तीसरा बॉडी, चौथा एंट्रम और पांचवा पाइलोरस। तो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो कुछ ईसोफेगस के नीचे की तरफ कुछ प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं कार्डिया, कार्डिया।
दूसरा ये साइड का जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं फंडस, बीच का जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं बॉडी, नीचे का पार्ट जो होता है इसे हम कहते हैं एंट्रम, और कुछ ये साइड का पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं पाइलोरस। तो पांच पार्ट में होता है डिवाइड, एक तो कार्डिया, दूसरा फंडस, तीसरा बॉडी, चौथा एंट्रम और पांचवा हो गया पाइलोरस। तो सबसे पहले कार्डिया का देखेंगे। तो कार्डिया में क्या प्रेजेंट होता है? तो कार्डिया में प्रेजेंट होता है कार्डियक स्फिंक्टर। तो यहाँ पे कुछ ऐसा मसल्स प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। तो कार्डियक स्फिंक्टर का काम क्या होता है? तो जो गैस्ट्रिक कंटेंट होता है उसको बाहर न जाने देना, और जो फूड ऊपर से आ रहा है उसको इजीली अंदर की तरफ आने देना स्टमक में। ये क्या काम होता है? कार्डियक स्फिंक्टर का। तो कार्डियक स्फिंक्टर जो कार्डिया रीजन में प्रेजेंट होता है, इसका काम क्या होता है? तो टू अवॉइड रिफ्लेक्स ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू ईसोफेगस, और दूसरा जो फूड स्वॉलो किया जाता है उसको इजीली स्टमक में लेके आया जाता है। ये काम होता है कार्डियक स्फिंक्टर का। दूसरा पार्ट प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं फंडस। फंडस जो प्रेजेंट होता है वो लेफ्ट साइड अपर पार्ट जो होता है उसे हम कहते हैं फंडस। तीसरा जो पार्ट होता है उसे कहते हैं बॉडी। बॉडी बड़ा पार्ट होता है जहां पे क्या होता है, फूड का मिक्सिंग होता है और ब्रेकडाउन होता है। फूड को क्या है, बारीक बारीक ब्रेकडाउन किया जाता है, और उसको वहां के गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं उसके साथ क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। नीचे का कुछ पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं एंट्रम। तो एंट्रम पार्ट में क्या होता है, तो ये कुछ टाइम के लिए फूड को होल्ड करता है। यहाँ से फूड जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है, मिक्स होता है, वो नीचे की तरफ आता है और यहाँ पे होल्ड किया जाता है कुछ टाइम के लिए, और फिर जो फूड है वो पाइलोरस से होते हुए डिओडिनम की तरफ जाता है। लास्ट पार्ट है पाइलोरस। पाइलोरस में क्या होता है? तो पाइलोरस में भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या होता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो इसका काम क्या होता है? तो इसका काम ये होता है कि डियोडिनल कंटेंट को वापिस ना आने देना, और स्टमक का जो कंटेंट है वो डियोडिनम में अच्छे से चले जाए, ये देखना। तो ये काम किसका होता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर का। तो स्टमक जो होता है वो पांच रीजन में डेवलप होते हैं, कार्डिया, फंडस, बॉडी, एंट्रम, पाइलोरस। कार्डिया में क्या होता है? कार्डियक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। फंडस क्या होता है? लेफ्ट अपर बॉडी होता है स्टमक का। बॉडी क्या देता है? तो इसके अंदर फूड मिक्सिंग और ब्रेक डाउन होता है। एंट्रम कुछ टाइम के लिए फूड को होल्ड करता है। पाइलोरस, पाइलोरस में पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है जो डियोडिनल कंटेंट को रिफ्लेक्स होने से बचाता है और स्टमक के कंटेंट को डियोडिनम में जाने देता है। तो ये हो गया रीजन स्टमक का। इसके बाद मसल्स के बारे में देखेंगे। तो मसल्स कितने प्रेजेंट होते हैं? तो मसल्स में कितने लेयर्स होते हैं? तो उसमें चार होते हैं लेयर। सबसे ऊपर का लेयर होता है उसे हम कहते हैं म्यूकोजा, उसके नीचे सब म्यूकोजा, फिर मस्क्यूलरिस प्रोक्रिया, और फिर सीरोजा। तो जो म्यूकोजा होता है, तो सबसे नीचे का जो लेयर होता है इसे हम कहते हैं सीरोसा, उसके ऊपर का जो लेयर है उसे हम कहते हैं मस्क्यूलरिस प्रोक्रिया, इसके ऊपर का लेयर होता है उसे हम कहते हैं सब म्यूकोजा, और इसके ऊपर कुछ लेयर होता है जिसे हम कहते हैं म्यूकोजा। म्यूकोजा बना होता है कॉलमनार एपिथीलियम से विद गॉबलेट सेल्स, और उसके अंदर काफी सारे ग्लैंड्स होते हैं, गॉबलेट सेल्स, और इसके अंदर काफी सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। जो म्यूकोजा का ऊपर का लेयर होता है वो कुछ फोल्ड के जैसा प्रेजेंट होता है, कुछ ऐसा ऐसा फोल्ड के जैसा प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं र्यूग, रिंकल्स जैसे हम कह सकते हैं, उस तरह से अपर स्किन प्रेजेंट होता है। जब फूड स्टमक में नहीं होता तो ये रिंकल्स जैसा हमें दिखने लगते हैं जिसे हम कहते हैं र्यूग, और जब एब्डोमेन फुल होता है, एब्डोमेन स्ट्रेच होता है, तो ये जो र्यूग होते हैं ये वापस रिंकल ना होते हुए स्ट्रेट या फ्लैट हो जाते हैं, क्योंकि गैस्ट्रिक कंटेंट या फिर एब्डोमेन में कंटेंट जब बढ़ जाता है तो ये अपने आप फ्लैटन हो जाते हैं, और अगर कंटेंट नहीं होता है, गैस्ट्रिक एम्प्टी रहता है, तो र्यूग या फिर रिंकल्स जैसा पैटर्न हमें देखने को मिलता है।
तो इसमें मसल्स जो होते हैं चार लेयर प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला म्यूकोजा जो बना होता है कैलमनार एपिथीलियम गॉबलेट सेल्स और न्यूमरस ग्लैंड से। दूसरा सब म्यूकोजा जो कनेक्टिव टिश्यू से बना रहता है। तीसरा मस्कुलरिस प्रोप्रिया और चौथा होता है सीरोजा जो कि फाइब्रस मेम्ब्रेन से बना होता है। अभी इसके बाद इसमें ग्लैंड्स काफी सारे प्रेजेंट होते हैं, स्टमक में काफी ज्यादा अमाउंट में ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। तो तीन ग्लैंड है मेन, सबसे पहला है कार्डियक ग्लैंड, दूसरा पाइलोरिक ग्लैंड और तीसरा गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये तीन ग्लैंड जो है वो इम्पोर्टेंट है जो प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे कि कार्डियक और पाइलोरिक ग्लैंड जो होता है वो रीजन के हिसाब से नाम दिया, जो कार्डियक में प्रेजेंट होता है उसे कार्डियक, जो पाइलोरस में प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं पाइलोरिक ग्लैंड। इसका काम क्या होता है, तो ये म्यूकस को सिक्रीट करता है। क्या करता है, म्यूकस को सिक्रीट करता है, जिसका काम क्या होता है, तो जो वॉल्स होते हैं स्टमक को उसको एसिड से बचाना, उसको एसिड से प्रोटेक्ट करना, ये काम क्या होता है कार्डियक ग्लैंड का और पाइलोरिक ग्लैंड का होता है। तीसरा जो ग्लैंड है उसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड में पांच टाइप के सेल्स होते हैं। सबसे पहला होता है म्यूकस नेक सेल, दूसरा स्टेम सेल्स, तीसरा पैराइटल सेल्स, चौथा जायगोजेनिक सेल्स और पांचवा एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स। तो इस तरह से पांच सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला है म्यूकस नेक सेल्स, दूसरा स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स का काम क्या होता है, तो रिपेयर करते हैं डैमेज टिश्यूज को, जो डैमेज टिश्यू होते हैं उसको रिपेयर करने का काम होता है। पैराइटल सेल्स का काम क्या होता है, तो एसिड सिक्रीशन होता है, जब भी फूड आता है स्टमक में तो HCl सिक्रीट करना, उसे ब्रेक डाउन करने का काम पैराइटल सेल्स का होता है। जायमोजेनिक सेल्स जो होते हैं वो पेप्सिनोजेन और लाइपेज ये दो सिक्रीशंस करते हैं। एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स का काम क्या होता है, तो ये गैस्ट्रिन का सिक्रीशन करता है। क्या करता है, गैस्ट्रिन का सिक्रीशन करता है। तो ग्लैंड स्टमक में कितने होते हैं, तीन होते हैं, कार्डियक ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड और गैस्ट्रिक ग्लैंड। कार्डियक ग्लैंड और पाइलोरिक ग्लैंड का काम क्या होता है, म्यूकस सीक्रेट करना, जो क्या प्रिवेंट करता है स्टमक वॉल्स को एसिड लगने से या फिर एसिड की वजह से डैमेज होने से प्रिवेंट करता है। तीसरा है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड पांच टाइप के सेल से बनते हैं, एक म्यूकस नेक सेल, दूसरा स्टेम सेल्स, पैराइटल सेल्स, जायमोजेनिक सेल्स और एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स। एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स में गैस्ट्रिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है, जिसका दो काम होता है। सबसे पहला स्टिमुलेशन ऑफ एसिड सिक्रीशन, जब भी पेट में कोई कंटेंट आता है या फूड आता है तो एसिड का सिक्रीशन करना ताकि वो ब्रेक डाउन कर सके और उसमें से डाइजेस्ट कर सके। तो ये काम किसका होता है, गैस्ट्रिन का। गैस्ट्रिन क्या करता है, रिलीज करता है एसिड सिक्रीशन। और दूसरा काम क्या होता है, स्टिमुलेशन ऑफ म्यूकोजल ग्रोथ। दूसरा काम क्या होता है, एसिड ज्यादा सिक्रीशन होने की वजह से स्टमक का वॉल डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो ये क्या करता है कि म्यूकोजल ग्रोथ करता है। म्यूकोजल ग्रोथ करने की वजह से क्या होता है, म्यूसिन डेवलप होता है और वो स्टमक के वॉल को एसिड से प्रिवेंट करता है। तो ये दोनों काम जो है वो गैस्ट्रिक सिक्रीशन से होता है, सबसे पहला स्टिमुलेशन ऑफ एसिड सिक्रीशन और दूसरा स्टिमुलेशन ऑफ म्यूकोजल ग्रोथ। अगर हम स्टमक का काम देखेंगे तो फंक्शन क्या क्या है, तो तीन बेसिक फंक्शन है। सबसे पहले टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फूड, फूड जिधर से भी आता है टेम्पररीली उसको स्टोर करना। दूसरा मिक्सिंग एंड ब्रेक डाउन, फूड को तोड़ना एसिड की मदद से और उसको गैस्ट्रिक जो जूसेस होता है उसमें मिक्स करना। और तीसरा होता है डाइजेशन, फूड का जो है वो अच्छी तरह से डाइजेशन करना। तो ये तीन काम स्टमक का होता है, टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फूड, मिक्सिंग एंड ब्रेक डाउन ऑफ फूड और डाइजेशन ऑफ फूड। तो ये सब चीज के बारे में, इतना चीज हमें ध्यान में रखना है स्टमक के बारे में। इट इज ए मस्कुलर ऑर्गन, जे शेप्ड ऑर्गन प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन एंड इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें पांच रीजन प्रेजेंट होते हैं, कार्डिया, फंडस, बॉडी, एंट्रम और पाइलोरस। इसमें मसल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें चार लेयर्स होते हैं। म्यूकोजा बना होता है कॉलमनार एपिथीलियम से, ये ध्यान में रखना है। दूसरा सब म्यूकोजा, तीसरा मस्कुलरिस प्रोप्रिया और चौथा सीरोसा। इसमें तीन ग्लैंड्स होते हैं, कार्डियक ग्लैंड, पाइलोरिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड में पांच सेल्स होते हैं, म्यूकस नेक सेल्स, स्टेम सेल्स, पैराइटल सेल्स, जायमोजेनिक सेल्स एंड एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स। उसमें
मेन जो होता है गैस्ट्रिन सिक्रीशन किया जाता है एंटेरो एंडोक्राइन सेल से, जो कि स्ट्यूमुलेट करता है एसिड सिक्रीशन और स्ट्यूमुलेट करता है म्यूकोजल ग्रोथ। और इसके फंक्शन क्या है स्टमक के, तो सबसे पहले टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फूड, मिक्सिंग एंड ब्रेकडाउन ऑफ फूड और डाइजेशन ऑफ फूड।